अभी हम ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मीन्स ऑप्टिक्स बेसिक इंट्रोडक्शन में पहले देता हूँ। ऑप्टिक्स टुडेज लाइफ में ऑप्टिक्स कहाँ यूज़ होता है? ऑप्टिक्स मीन्स होता है पहले लाइट। अब लाइट लाइट थ्रू हम नॉर्मली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मीन्स लाइट का स्पीड सबसे फास्ट होता है, तो जिससे हमें क्या होता है, डेटा ट्रांसफरिंग के लिए हम लोग लाइट का यूज़ करते हैं। लेकिन लाइट बेसिकली डेटा ट्रांसफ़र करेगा कैसे? तो लाइट ट्रांसफरिंग के लिए सबसे पहले हमें लाइट के बारे में बेसिक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। तो आज हम पूरे टॉपिक में, पूरे ऑप्टिक्स के पार्ट में सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। मीन्स लाइट ट्रैवल कैसे करती है। तो लाइट ट्रैवल करने के अलग अलग जो तरीके हैं वो हम आज देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ऑप्टिक मीन्स लाइट है। अब लाइट ट्रैवलिंग हमारे दो पार्ट में होती है, एक होती है रिफ्रैक्शन और दूसरा होता है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये दोनों में फ़र्क क्या है? रिफ्लेक्शन मीन्स होता है, अगर सपोज एक मेरा ये प्लेन है, इस पर अगर लाइट इंसिडेंट किया, इस पर लाइट अगर मेरी इंसिडेंट हो रही है तो पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट मीन्स यहाँ मीडियम को आके टकरा के वो फिर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। मैं जितनी लाइट मेरी आई थी पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, तब मैं बोलता हूँ रिफ्लेक्शन। ये हो जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है अगर सपोज मेरी लाइट प्लेन पे आई और फिर वो आर पार मीन्स ट्रांसपेरेंट मीडियम से वो क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। रिफ्रैक्ट मीन्स ये मीडियम से नेक्स्ट मीडियम में। मीन्स सपोज अपर मीडियम एयर था, सेकेंड मीडियम मेरा ग्लास है। तो ये क्या होती है, नॉर्मली इंसिडेंट लाइट हमारी एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में, मीन्स डेंसर मीडियम में जंप करती है। डेंसर मीडियम मीन्स ग्लास, ठीक है। इस पर अगर जंप करती है तो लाइट रिफ्रैक्ट होती है। रिफ्रैक्ट मीन्स वो आर पार चली जाती है, मीन्स दूसरे दूसरे एंगल दूसरे मीडियम में चली जाती है। तो इससे क्या होता है, अगर सपोज हम लोग नॉर्मल लाइन के हिसाब से अगर देखें तो जो इंसिडेंट एंगल था मेरा उससे थोड़ा डिफरेंट आया। डिफरेंट मीन्स थोड़ा सा वो एंगल बदल देता है, तो रिफ्रैक्शन एंगल थोड़ा डिफरेंट होता है। क्योंकि वो क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन एंगल बेसिकली टूवर्ड्स द नॉर्मल आने लगता है। ये जो मेरी लाइन है, ये है मेरी नॉर्मल लाइन, ये लाइन है वो नॉर्मल है। तो वो क्या होता है, इंसिडेंट लाइट जो होती है वो एंगल चेंज करके रिफ्रैक्ट होती है। लेकिन जब वो रिफ्लेक्शन में हमने देखा था तो नॉर्मल के हिसाब से इंसिडेंट लाइट जो थी वो सेम एज रिफ्लेक्शन एंगल था। क्योंकि जितना लाइट मेरा रिफ्लेक्ट होता है उतना ही रिफ्लेक्ट होता है, जितना इंसिडेंट होता है उतना ही रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन रिफ्रैक्शन में एंगल चेंज हो जाता है वन मीडियम टू अनदर। मीन्स जैसे ही मेरी लाइट फर्स्ट मीडियम में एंटर होती है फिर सेकेंड मीडियम में अगर जंप करती है तब क्या होता है, उसका एंगल चेंज हो जाता है इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, अभी हमें सबसे पहले पढ़ना है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बारे में हम थोड़ा अभी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर सपोज मैं ट्रांसपेरेंट मीडियम एक ले रहा हूँ, मीन्स ग्लास, ठीक है। ये मैंने एक ट्रांसपेरेंट प्लेन लिया, मीन्स ग्लास। इस पे क्या होता है, अगर सपोज मैंने एक लाइट इंसिडेंट किया, ठीक है, ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट। मीन्स पर्टिकुलर एक एंगल से मैं इंसिडेंट करता हूँ लाइट, तो आई मेरा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये अपर पार्ट मेरा एयर था, एयर मीन्स होता है मेरा रेयर मीडियम, मीन्स अपर वाला पार्ट, और ग्लास होता है मेरा डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम मीन्स जहाँ पर मेरा रिफ्रैक्शन हो रहा है। ओके, अभी यहाँ पर थोड़ा सा एंगल मेरा चेंज होके रिफ्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा सा इंसिडेंस एंगल से चेंज होता है। फिर दोनों में फ़र्क हम लोग देखेंगे अलग अलग। पर्टिकुलर एक हमारा स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के ज़रिए हमको ये मालूम पड़ेगा इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल में फ़र्क क्या है। मीन्स इंसिडेंस एंगल अगर ज़्यादा होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इंसिडेंस एंगल अगर कम होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सिमिलर पर्टिकुलरली हम लोगों ने अभी क्या देखा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीन्स
अगर मेरा एक इंसिडेंट मेरी लाइट अगर इंसिडेंट हो रही पर्टिकुलर मीडियम पे और वो दूसरे मीडियम में जा रही है, तब वो उसका एंगल चेंज होके वो रिफ्रैक्ट होता है। ओके, ये कंसेप्ट अभी क्लियर हुआ।